हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोलकाता स्टाइल दम एक बिरयानी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो मैंने यहाँ पे कुछ उबले हुए अंडे लिया है, इसको आप मैरिनेट करेंगे हल्दी और नमक से। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और अंडे को फ्राई करेंगे। का सब ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। अंडे फ्राई हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। आलू को भी लो मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे। आलू को भी मैंने हल्दी और नमक से मैरिनेट कर लिया था। आलू फ्राई हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा और ऑयल ऐड करेंगे। स्लाइस किया हुआ अनियन ऐड करेंगे और इसको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज यहाँ पे फ्राई हो चुका है, अब इस स्टेज पे ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट करीब 2 टेबलस्पून। 2 to 3 मिनट्स तक फ्राई करेंगे। हल्दी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, बिरयानी मसाला 1 टेबलस्पून। मीडियम हीट पे थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। कप दही ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। मसाला पक चुका है, अब स्टेज पे ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ अंडे और आलू। करीब 1 कप पानी डालेंगे, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार और ढक के इसे कुक करेंगे करीब 5 to 7 मिनट तक। इसको कुक करना है तो इसके लिए पानी में होल गरम मसाला और नमक ऐड करेंगे और पानी को अच्छी तरह से उबाल लेंगे। चावल को ऐड करेंगे और 80% तक ही कुक करना है। इस 80% तक कुक हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अंडा भी हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इस पे लेयरिंग करेंगे। लेयरिंग के लिए उबला हुआ राइस ऐड करेंगे, यानी मसाला डाल देंगे, 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर डालेंगे, ड्रॉप मीठा अतर के, 4 to 5 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। तो हरी मिर्च को भी ऐसी तरह से डाल देंगे और लास्ट में ऐड करेंगे केसर दूध, इसको भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। अब इसको दम देना है करीब 15 मिनट लो मीडियम हीट पे। सो हमारा गर्मा गर्म बिरयानी रेडी हो चुका है, अब हम इसको सर्व करेंगे। तो देखिए चावल जो है कितना खिला खिला है। कोलकाता स्टाइल परफेक्ट एकदम बिरयानी रेडी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। कोलकाता स्टाइल इजी एकदम बिरयानी।